धन की समस्या अगर कहीं ना कहीं बढ़े जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पैसा आता है पर पैसा टिक नहीं पाता। रिश्तों से प्यार नाम की चीज अगर कहीं ना कहीं गायब सी होती चली जा रही है। हर जगह बेइज्जती हो जा रही है। लोगों का मन नहीं करता आपसे बात करने का और एक पॉइंट पे अकेले पड़ते चले जा रहे हो, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी मेरे साथ बोलो बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? है कि नहीं, बहुत जबरदस्त चीज बता दी आपको। एक बात बताती हूँ, कुछ दिन से ना कमेंट भी आ रहे थे और के मतलब के 2 महीने से 3 महीने से मैं घर पे आकर बैठी हुई हूँ, है ना, मायके आकर बैठी हुई हूँ और हस्बैंड जी जो है वो मुझे लेने नहीं आ रहे। किसी की बातों में आ गए या कुछ आ गए, मैं कहती जो भी है ना। तो एक लड़की के लिए एक बड़ा ही ये डिसहार्टनिंग वाली चीज़ हो जाती है और बहुत लड़कियाँ वो चीज़ फेस कहीं ना कहीं करती हैं, है ना। वजह चाहे जो मर्जी हो, वजह तो आपको पता ही है। जब प्लेनेटरी पोजिशंस में कहीं ना कहीं वो कहते ना पहला घर, छठा घर, दसवां घर संबंध बनाता है, कहीं ना कहीं शादी होते हुए भी एक कहीं ना कहीं दूरियां हो जाती हैं या ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि एक हस्बैंड इधर होता है, वाइफ उधर होती है, दूर 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 दूर, है ना। वो एक्चुअली देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं डिवोर्स और नो मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। बट एनी विच वेज, अभी हम उसके बारे में डीप में अभी हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ उपायों के बारे में बात करेंगे। क्या कहते हैं, मैंने एक आपको दिल से एक बात बताती हूँ। अगर कहते हैं ना 1% भी चांसेस हुआ ना अपन अपने का पाशा लोगों, तो फिर बात बन जाएगी, वो बात बन जाएगी। और सब कुछ कहते हैं ना, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बस उसको थोड़ा सा रूटीन मान के वो चीज़ करो और रास्ते खुल जाएंगे, ये मेरा पक्का वादा है ना। दिल छोटा नहीं करते, बट हाँ कई बार क्या होता है कि एक की पत्री अगर नेगेटिव है तो दूसरे की भी पत्री नेगेटिव है। वो कहते हैं ना, वहाँ पर मेरी एक स्टडी के लोगों को चैलेंज मार जाती है कि भैया 36 के 36 गुण मिले तो 36 घंटे भी 36 दिन भी इकट्ठे नहीं रहे तो ऐसा क्या हो गया। वहाँ पर एक जो मेरी स्टडी आती है वो कहीं ना कहीं मात मतलब है ना चैलेंज कर जाती है इन चीज़ों को। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी की अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, मोस्ट ऑफ द नेगेटिव कॉम्बिनेशन है कि उनकी शादियाँ पनपती नहीं। कितने लोग मैंने देखे वो बहुत खुश हैं, उसका रीज़न क्या है? उपाय तो चलो अलग बात है, वो अभी हम साइड में रखते हैं। एक मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने अभी शादी करनी भी है या जो मम्मी पापा है अपने बच्ची के लिए, जो भी बच्चे के लिए अगर कोई देख रहे हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूँ। अगर एक की नेगेटिव होती है तो इसका सोल्यूशन ये है कि दूसरी जिसके साथ उसकी शादी होगी उसकी जो पत्री है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होए, उसमें दूसरा घर, सातवां घर, ग्यारहवां घर, पांचवां घर, ग्यारहवां घर, जब वो कनेक्टेड रहता है ना। आप जब भी किसी से पूछोगे, आपने गुण मिलन नहीं करना, आपने ये देखना है कि इसके जो मोस्टली प्लेनेट में स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड में ये वाले कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहे। अगर आएंगे तो वो नेले पे धेले वाली बात होगी, वो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगी, पहुंचेगी तो पहुंचेगी, लड़की भी जाएगी कोर्ट तक, लड़का भी जाएगा कोर्ट तक, साथ में घर वालों को भी बेचारों को जाना पड़ेगा। तो बेटर है जो भी चीज करे, है ना, सोच समझ कर। एक इंसान के कहते हैं ना लाइफ का सवाल होता है। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, मुझे नहीं पता आप कितना वो कहते हैं ना मेरे इस थॉट प्रोसेस से एग्री करते हो। कहते हैं ना घर पे बैठी लड़की ज्यादा अच्छी है बजाय गलत इंसान से शादी करने के। आप समझे, कुछ चीजें होती है कार्मिक बॉन्ड होता है, कुछ कर नहीं सकते। जो चीज थी थी, वो उसको पेन मिलना था और पेन भी। मैं आपको दिल से एक बात बताती हूँ पाशा लोगों, एक बच्चा होता है उसको सब कुछ मिल जाता है ऐसे 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 करके, है ना, और एक बच्चा होता है उसको बड़ी मेहनत जिद्दोजहद करके छोटी उम्र में जब वो काम करता है वो अपने को और मैच्योर करता है और मैच्योर करता है। जब एक इंसान को बहुत वो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, बड़ी डीप थिंकिंग है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ मेरा बॉन्ड है। एक इंसान को जब पेन मिलती है ना बहुत, उस पेन में ना दो ऑप्शन होते हैं। एक रास्ता है कि वो पूरा बर्बाद अपने को कर लेगा, दूसरा पेन ये है कि अपनी चीज़ों को देखकर अपने को और इवॉल्व करके ब्यूटीफुली अपने को तराश लेगा
ब्यूटिफुली अपनी अपने को मतलब कहते हैं ना, और वो जो एक इंसान तराशा हुआ बनेगा, मतलब कहते हैं ना उसकी जो बात होगी उस टाइम पे, जो वो अपने को ऊपर वाले से कनेक्ट करेगा और अपने पे काम करके जो वो बन जाएगा, वो तो करोड़ों की चीज है, वो तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप समझे मेरी, बहुत डीप चीज है, पता नहीं कितना समझ आया। चलो खैर जो भी है ना, है कि नहीं। चलो अब मैं बताती हूँ क्या चीज़ करनी है। मतलब कहते हैं ना अपने पे, ये ना एक सोल जर्नी है हमारी, है ना। और पिछला अगला पिछला क्या कर्म नहीं वो तो छोड़ दो, अभी हम कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, अभी हम कितना स्पिरिचुअली अपने को उस, वो कहते हैं हमारी आत्मा उस परमात्मा के साथ जोड़ रही है, वो मैटर करता है, वो मैटर। हम अपनी प्रेजेंस से दूसरों की लाइफ में कितना इफेक्ट कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, वो आपका अस्तित्व मैटर करता है। और सारी चीज़ फुका पकी, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो मोम आया है कि नहीं। चलो खैर, पता नहीं जो समझ चुके हैं वो समझ चुके हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कभी दिल हारना नहीं, सारा सब हो जाएगा। मैं अब आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आप ना वो जो चावल का आटा होता है, चावल का आटा, चावल के आटे में आपने तिल का तेल डालकर उसको ना गूंद लेना है। उसको गूंद लिया आपने, ये चीज़ आपने कर दी, ठीक है। उसके ना दो पेड़े बना देना, आप दो पेड़े बना दिए। अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड कह रही हूँ, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ को दिक्कत, स्टेबिलिटी को दिक्कत, शुक्र जिनका वो कहते ना वीक है, लोगों का ना मन नहीं करेगा आपसे बात करने को। मैंने मोस्टली हमेशा कंसल्टेशन में देखा है, शहना मैम हम तो सबसे कितने अच्छा करती हैं, लेकिन वो मुझसे, लोग हमसे कटते चले जाते हैं। शुक्र वीक है बाबा, और आप में कोई कमी नहीं, ये प्लेनेटरी पोजीशंस ऐसे हैं जो कहते हैं ना लोगों से कट अवे करता है, लोगों का मन नहीं करता बात करने का। क्यों? शुक्र वीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। चावल के आटे के अंदर तिल का तेल डालकर उसका आपने गूंद लेना, जैसे हम आटा नहीं गूंदते। उसके बाद आपने दो पेड़े बना लेनी है, दो पेड़े बना लिए। अब आपने उसको कलावे से बांध देना है, कलावे से बांध दिया एक पेड़े को, दूसरे पेड़े को कर दिया। अब आपने क्या करना है, अपने मन में इच्छा रखकर, जैसे जो मायके बैठी हुई हैं है ना, और वो क्या कहते हैं लेने नहीं आ रहा, तो वो चीज़ लेकर के मतलब है ना, और घर मन में गालियां मत निकालना, तेरी ऐसी तैसी, तेरी को मैं बताऊंगी, तेरी बैंड बजाऊंगी, तो वो ऐसा तू ऐसा, मतलब अब आपको क्या ही बताऊँ, वो वाले तो वर्ड्स तो है ना जो फोन पर सुनती हूँ, वैसे हुआ कि ले जाए वैसे ऐसी चीजें के क्या ही बोले। अब आपने क्या करना है, तीन बार एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज, मैं करके नहीं दिखाऊंगी, तीन बार एंटी क्लॉकवाइज करके पहले पेड़े को और दूसरे पेड़े को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख के आओगे। कब रखोगे? आज रखोगे। कब? मतलब फ्राइडे को। जो लेट वीडियो देखते तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो ये चीज हो गई। अगली चीज आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। एक ना मिट्टी की हंडी ले लेनी है। मिट्टी की हंडी के अंदर क्या कहते हैं, चावल को, आज है, आज फ्राइडे है, अपना अपने को जाने नहीं देना ये दिन पे, है कि नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने क्या करना है, वो मिट्टी की जो हंडी होती है उसके अंदर चावल, जो चावल होगे तवे पे थोड़े भून लोगे, आपने कुछ तेल वेल नहीं डालना, कुछ उबालना नहीं है, आपने मिट्टी की हंडी अपने साथ में रखनी है, चावलों को उतने चावल भूनना कि वो हंडी भर जाए, वो आपने भून लेना है। भून लिया, अब हम क्या करेंगे, उसको हंडी के अंदर डाल देंगे। डाल दिया, सफ़ेद कपड़े से उसको बांध देंगे, और उसके ऊपर किस चीज़ से हल्दी से स्वास्तिक बनाओगे। हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अब आपने क्या करना है बताती हूँ, लेकिन इससे पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक बार ना वो क्या कहती हैं, शंकराचार्य जी जो हैं वो जा रहे थे, मतलब है ना क्या कहते हैं, शंकराचार्य जी जा रहे थे भिक्षा मांगने, फंबल हो जाता है, तो एक लेडी के पास गए, है ना। उन्होंने बोला कि मतलब मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो आपको कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं, और वाकई में ना उनके पास खाना था, ना कुछ था, ना कुछ था। तो आंवला जो नहीं होता, कहती उन्होंने
शंकराचार्य जी को आंवला ऑफर किया। आंवला ऑफर किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको तो कुछ भी नहीं दे सकती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, आप इस चीज़ को स्वीकार करो। तो शंकराचार्य जी को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने वो लक्ष्मी माँ से ना प्रे किया कि इनको ये, इनके तो घर पे खाने को नहीं है, कुछ आप अपनी कृपा बरसाओ। तो लक्ष्मी माँ बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जो ये हैं इनके पुराने कर्म वैसे हैं कि इस इनकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है, इनकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है, वो ऐसे ही है। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने दिल से एक स्तोत्र पढ़ा, और तब बोला जाता है कि उस वो जो बहुत ज़रूरतमंद लेडी थी जहाँ पर शंकराचार्य जी गए थे, वहाँ पर सोने के आंवले की वर्षा हुई थी, समझे। तो इस चीज़ पे किस मंत्र, कौन सा स्तोत्र पढ़ोगे, 3 बार कनक धारा स्तोत्र और लक्ष्मी साबर मंत्र, कौन सा, आवो लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, बचनों की बांधी आबो हमारे पास, पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का, वचन चूके तो नर्क पड़े, सफल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव शक्ति की आन, समझे। इसको कितनी बार पढ़ना है, मैं कहती 108 बार पढ़ लो, हांडी को अपने सामने रख कर, और कनक धारा स्तोत्र सामने हांडी पड़ी हुई है, बस अपना वो कहते हैं ना प्रे करो कि बस ये जो चीज़ मैं रखने के लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ, अपनी आप कृपा बरसाओ, और ये जो एक चीज़ है आपने अपने नॉर्थ वेस्ट में रख देना है, आपने अपने नॉर्थ वेस्ट में रख देना है, ये वो चीज़ से भी प्रोटेक्ट करेगा। कई बार लोग हमारे घर आते हैं, गलत इंटेंशन होती है, उस चीज़ से भी प्रोटेक्ट करेगा। कई बार कहते हैं ना हमारी अच्छी खासी चीज़ें खराब हो जाती है, ये उस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा, आप समझे मेरी बात को, इस चीज़ को करो मेरे पाशा लोगों, सब ठीक हो जाएगा। और ये जो वो क्या कहते हैं वो वाला मैंने बताया, वो कब तक, आज से शुरू कर लो, थोड़े दिन कंटिन्यूटी में कर लो, वो जो क्या कहते हैं जिस पे मौली बांधनी है, मौली पता है ना जो कलावा होता है, वो जो लड्डुओं के ऊपर कलावा बांधना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज करके बस अपने पीपल के पेड़ के पास में रख के आना है, अपने मन में अपनी इच्छा रखकर, आपकी जो भी चीज़ है, सिर्फ ये नहीं मायके वाली चीज़, कोई बंदिश भी आ रही है और समझ नहीं आ रहा भैया करे तो करे क्या, तो इस चीज़ को करो, ठीक है मेरे पाशा लोगों, ध्यान रखो। आरिका शाइनर्स अंतर्मन हीलिंग को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अभी अभी हम आए भाई, ऐसे तो गलत है यार, शाइनर्स अटेंडर्स को ऑफिशियल, आरिका मारवा अंडरस्कोर अंतर्मन हीलिंग, ठीक है पाशा लोगों, तो ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, विजय को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, ओके देन बाय, नमस्कार।